नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं झालावाड़ जिले की कुछ खास खबरें, वो भी विस्तार से। भवानी मंडी नंदूभाई आदर्श विद्या मंदिर में संचालित श्री राम संस्कार केंद्र के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को गाड़ूलिया लोहार बस्ती में 30 जरूरतमंद ग्रामीणों को गर्म वस्त्र जर्सी प्रदान की। प्रधानाचार्य विकास बाहेती ने बताया कि इस अवसर पर ओम प्रकाश चतुर्वेदी, दामोदर गुप्ता, बंसीलाल रमेणवाणी, रामेश्वर पाटीदार, दौलत शर्मा, सुरेश पाटीदार, कालूलाल पाटीदार, राजेश कुमार शर्मा, डॉक्टर विनय गौलानी, राजेंद्र शर्मा, सुनील शर्मा आदि मौजूद थे। भवानी मंडी में राज्य सरकार का बनाया वृद्धजन भरण पोषण अभियान। भवानी मंडी उपखंड के एक और वृद्ध माता पिता के लिए सहारा बनकर सामने आया है। इस नियम में कोई बेटा अगर अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करता है तो बेटे को पाबंद कर गुजारा भत्ता दिलाने का प्रावधान है। ऐसा नहीं होने पर बेटे को सजा भी देने की भी व्यवस्था है। ताज़ा मामला भवानी मंडी का वार्ड नंबर 23 के बागरी मोहल्ला का है। इसमें वृद्ध प्रेमचंद लाहौर ने एसडीएम राजेश दागा को शिकायत की थी कि उसके दोनों बेटे बालचंद व देवीलाल को संपत्ति से में से हिस्सा दे दिया है, लेकिन दोनों उनकी देखभाल नहीं करते हैं। एसडीएम ने दोनों को नोटिस देकर बुलाया, सुनवाई की तो बेटे दोषी पाए गए। सामने आया कि माँ बाप अब अलग रह रहे हैं, उनका गुजारा भत्ता का कोई साधन नहीं रहा। एसडीएम ने दोनों बेटों को माँ बाप को हर माह की 5 तारीख को 2,000 रुपये उनके बताए बैंक पोस्ट ऑफिस खाते में जमा करवाने के आदेश दे दिया। अगर ये इसकी पालना नहीं करेंगे तो आगे इनकी सजा का भी प्रावधान है। भवानी मंडी के हनी किड्स प्ले स्कूल में क्रिसमस मनाया गया, जिसमें कई बच्चे सांता बनकर सामने आए और प्रेयर की, एक दूसरे को टॉफी व अन्य उपहार भी दिए गए। इस अवसर पर पूरा विद्यालय स्टाफ व बच्चे लाल रंग के कपड़े पहनकर आए। क्रिसमस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आवर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टाफ ने मानवता का परिचय देते हुए सर्दी में ठिठुरते नन्हे बच्चों के लिए ऊनी स्वेटर का इंतजाम कर अपने स्वयं के खर्च से कर मिसाल पेश की। इन दोनों लगातार मौसम खराब होने के कारण सर्दी का कहर जारी है। ऐसे में विद्यालय में आने वाले छोटे बच्चों को सर्दी में ठिठुरते देख प्राचार्य का दिल पसी जा रह गया। उन्होंने पहल करते हुए पूरे स्टाफ के सहयोग से कक्षा 1 से 5 तक के 162 बच्चों के लिए स्वेटर का इंतजाम करवा दिया। बाल सभा के दौरान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी निर्मला मेहरा, आरपी कल्याणमल मेघवाल, सरपंच धीरभ सिंह, महेंद्र बसेर, गंग सिंह सहित पूरे स्टाफ की मौजूदगी में छात्र छात्राओं को स्वेटर बांटे गए। वहीं इस अवसर पर विद्यालय में पोषाहार का काम करने वाले श्यामलाल और सोदानलाल की बेहतर सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य रविचंद मीणा, व्याख्याता पीरूलाल वर्मा, जितेन मीणा, अध्यापक दिनेश शर्मा, धनालाल, मंगूलाल मंसूरी, शीला कुमारी सहित पूरा विद्यालय परिवार मौजूद रहा। झालावाड़ जिले के गंगदाह थाना क्षेत्र के तलावली गांव में कृषि कार्य करते समय किसान के साथ हादसा हो गया। दरअसल किसान अपने खेत पर सिंचाई कर रहा था, वह पानी पीने के लिए कुएं पर गया कि अचानक उसका पैर फिसल गया और कुएं में गिर गया। तैरना नहीं आने के कारण किसान शंभू सिंह के मौके पर ही पानी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलाया और CHC सोमेजा में शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों के सुपुर्द किया। तलावली के पास कौन सा गांव, कुटकी में कुएं में एक व्यक्ति गिर गया है। इस सूचना पर मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां पर एक व्यक्ति पानी में कुएं में डूबा हुआ था। गांव वाले इकट्ठे हो रहे थे, गांव वालों की इमदाद से बॉडी को बाहर निकलवा कर। झालावाड़ जिले के गंगदाह थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए MLN के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिस पर पुलिस ने 3/25 आम एक्ट के मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस उपाधीक्षक ब्रजमोहन मीणा ने बताया कि
पुलिस अधीक्षक झालावाड़ राममूर्ति जोशी द्वारा अवैध कार्य व बदमाशों की चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए संदर्भ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस उपाधीक्षक के सुपरविजन में थाना अधिकारी कल्याण सिंह ने टीम गठित कर गश्त के दौरान बीसनिया रोड नाले के समीप पुलिस जीप देखकर अभियुक्त भरतिया कंजर भागने लगा। पुलिस ने उसे दह दबोच कर पूछताछ की तो उसके पास से MNN मिली, जिसके जब्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। अधीक्षक झालावाड़ श्री राममूर्ति जोशी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश यादव के नेतृत्व में जो अवैध हथियारों और मादक पदार्थों के विरुद्ध जो अभियान चला रहा जा रहा है, उसमें कल दिनांक को SHO श्री कल्याण सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें भरतिया के मुंडला के भरतिया को पकड़ा गया। उसके पास में एक ML गन जब्त की गई। चौमेला के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वेटर वितरण एवं बाल सभा का आयोजन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शंकरलाल वर्मा एवं ब्रह्मा कुमारी संस्था के सुश्री गीता दीदी की अगुवाई में आयोजित किया गया। पिड़ावा में नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध में हजारों लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। CAA के विरोध में बड़ी संख्या में लोग पुरानी तहसील में एकत्रित हुए, जहां से इस कानून के विरोध में रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोगों के हाथ में तिरंगा झंडा लहरा रहे थे। प्रदर्शनकारी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चल रहे थे। CAA को लेकर लोगों में काफ़ी रोष देखा गया। रैली आज़ाद चौक बस स्टैंड बैंक चौराहा होती हुई उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां शहर काजी मुफ्ती अमीरुद्दीन की अगुवाई में मुस्लिम समाज, भीम आर्मी, दलित संगठनों और कांग्रेस पदाधिकारियों ने इस कानून के संविधान को विरोधी बताकर CAA के कड़ा विरोध किया। कानून के विरोध में राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि केंद्र सरकार ने बहुमत का तानाशाहीपूर्ण उपयोग करते हुए CAB पारित करवाकर देश की जनता पर थोप दिए हैं, संविधान के विरुद्ध हैं। देश की आम जनता को आशंका है कि इसके बाद NRC लागू करके दलित व पिछड़े मुस्लिम आदिवासी को वर्ग को नागरिकता से वंचित करके मतदान सहित कई अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। CAA संविधान विरोधी व देश को बांटने वाला इस कानून से देश की गंगा जमुना तहजीब को नुकसान हो सकता है। जो कैब भी लाया गया है, इससे पहले NRC असम के अंदर आई थी, जिसका हश्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने देखा है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कैब और NRC का विरोध हो रहा है। देश की आज़ादी में हिंदुस्तान के अंदर आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहें खबर 24 न्यूज़।